नाइटी पहनी हुई हूँ। आज गुरुवार था, उठी हूँ आज भी मैं, मतलब 8 बजे ही उठी हूँ क्योंकि रुकी हूँ दाल चावल और इधर मैं डिब्बे सब निकाल के पहुँच रही हूँ कि मैं मुरब्बा 5 तो लाई थी, 50 रुपया में 200 ग्राम करके मिल रहा था। थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं हम लोगों का, ज्यादा नहीं ये होता है। ठीक है, छौंक लगा दे रही हूँ भुजिया के लिए, भिगा के रख के और मैं डायरेक्ट प्याज व्याज सब। तो इधर मेरा भुजिया हो गया है, अब इसमें हल्दी नमक भी डाल दे, भूल गई। तो मेरे हस्बैंड आ करके अपना खाने भी लगे, तो पापड़ तड़का बना, मतलब सब मसाला से सब भून ही रखूंगी। और उसके बाद इतनी कमेंट इतनी बड़ी बड़ी करती हैं कि नहीं, क्या पता नहीं उनके माँ बाप कैसे शिक्षा दिए हैं। बस नीचे जल गया तो ये देखिए ब्लैक हो गया है, पता नहीं खाने लायक है कि नहीं। तो जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं सोनम विश्वकर्मा, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आर के में, आप सबका स्वागत है। तो आपने देखा मैं अभी जस्ट पूजा वूजा कर ली और पूजा पाठ करके, और उसके बाद से देख रहे हैं बारिश 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 बारिश, पता नहीं इस साल क्या होने वाला है, कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज दिखा रही, ये है सीसीटीवी कैमरा, खुद में ये देखिए ब्लॉग बनाते हुए दिख रही हूँ। देखिए ये देखिए नाइटी पहनी हुई हूँ नाइटी पहनी हुई हूँ। आज गुरुवार था और मन नहीं था, कहीं आना जाना नहीं है तो इसलिए साड़ी उड़ी नहीं पहनी। अब बारिश का मौसम है ना, कपड़े पहनने का बात नहीं है, उतारो फिर उसको धो और सूखने का मुश्किल हो गया है, सूख नहीं रहा है तो वही है। तो अभी मैं तो फिलहाल जाऊंगी चाय बनाने और लंच में, लंच का तैयारी भी करूंगी। लंच में क्या बनाऊंगी, ज्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, सिंपल था आलू पटल का भुजिया और दाल चावल बनाऊंगी और कुछ सलाद उलाद कर दूंगी। आज ऐसा कुछ नहीं है, फिर नहीं तो देखूंगी पापड़ है तो पापड़ को छान दूंगी। तो बस यही है सिंपल सा आज का मेरा ब्लॉग है। सुबह से उठ कर आज भी मैं लेट से ही उठी हूँ, आज भी मैं मतलब 8 बजे ही उठी हूँ क्योंकि थोड़ा तबीयत भी सही नहीं चल रहा है। तो 8 बजे से उठ करके भी सारा काम फटाफट निपटा ही लिया है। क्या है, वही झाड़ू बर्तन तो रहता है, और बच्चों के लिए मैंने कुछ नाश्ते में कुछ उतना खास बनाया नहीं, हस्बैंड बस बिस्किट खा के गए। उनका तो एक रोटी या कुछ भी थोड़ा बहुत ही चलने से हो जाता है, तो बिस्किट खा के चले गए। और बच्चों के लिए चाय पराठा बना दिया, और मेरी बेटा तो मेरा टिफिन लेने जाता है, बेटी पैसा ले जाता है कुछ भी खा लेता है वहां पर ही। अब बेटी को नमकीन उसके पापा लाए थे, नमकीन बिस्किट उस्किट सब मिला के टिफिन में भर के दे दी तो वो चले गई। अब मैं भी ऐसे बात नहीं है, मैं पहले खा ली हूँ उसके बाद से पूजा बस दीप अगरबत्ती दिखाई हूँ और कुछ नहीं। तो वही है, तो वही है आज का ब्लॉग का स्टार्टिंग। चलिए चल शुरुआत करते हैं, और शुरुआत के चक्कर में ही ज्यादा 3 मिनट से ज्यादा 3:16 हो ही गए वीडियो में। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखिए क्या क्या करती हूँ मेरा डेली सुबह से लेकर के जब तक दिखा पाऊँ ब्लॉग को। एक बात बोलना था, सबका अलग अलग तरीका रहता है ब्लॉग बनाने का, किसी का चीटिंग नहीं करना चाहिए। अपना जो तरीका है उस तरीका से काम करो, और जो नसीब में होगा जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही मैं लंच बनाने के लिए, मतलब लंच ऑलरेडी बैठा चुकी हूँ, दाल चावल और इधर मैं डिब्बे सब निकाल के पहुँच रही हूँ कि मैं अचार लाई थी। जब हमारे यहाँ रथ यात्रा चल रहा था तो उस टाइम लगा था मार्केट, मतलब मीना बाजार, तो उसी में अचार किसी, मतलब बहुत टाइप के अचार भी बिक रहे थे। तो हर सुपर मार्केट में जब भी लगते हैं तो अचार बिकते ही, आपके यहाँ भी बिकते होंगे। तो सारा सब टाइप का तो नहीं, कुछ कुछ जो जो हमें पसंद है वो लाई थी। ये है आंवला का मुरब्बा, 5 तो लाई थी, 50 रुपया में 200 ग्राम करके मिल रहा था।
तो 5 चढ़ा था, तो 1 मैं खाई थी जब लाई थी तभी, तो उसको रख देती हूँ डिब्बा में। और उसके बाद से मिर्च का अचार भी लाई थी, ये देखिए मिर्च का अचार इतनी सा डिब्बा में दिख ही नहीं रहा है, तो वही दिखा रही थी। और मिक्स अचार और नींबू का अचार दोनों का टेस्ट एक जैसा था, और मिक्स अचार में भी ज्यादा करके नींबू ही था, तो मैं एक साथ ही मिला दी नींबू और गाजर। आजकल का अचार में नींबू गाजर ज्यादा मिला देते हैं, तो वही था थोड़ा सा मार्केट का। वैसे तो मैं हमेशा आम का अचार में बना के रख दी हूँ, जो मेरा इस साल अब खत्म हो जाएगा आम का अचार, लेकिन थोड़ा सा बाहर का मार्केट का अचार भी कभी कभी खाने का मन कर देता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ला के रख दी, ज्यादा नहीं, यही कितना दिन चलेगा। तो वो मेरा जो डिब्बा रह गया ना, वो वाला मेरा फटा निकला, तो उसको मैं साइड कर देती हूँ, फिर पोंछ उछ देती हूँ। और यही है काम, काम करो तो दिन भर करो, तो ऐसा नहीं है कि दिन भर लग जाता है। पता नहीं कितने लेडीज है इतने ही काम के लिए दिन भर ये होते रहती है भाग दौड़। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं कोई भी चीज फटाफट निपटाती हूँ, ये नहीं कि दिन भर लगे ही रहो काम में ही, अपनी भी ये है अपना भी आराम करो, तो ऐसा नहीं है। और काम करो ना तो अगर खाना बनाने भी आओ तो ऐसा तो कुछ, हाँ 2-4 आइटम बनाने तो थोड़े से टाइम लगता ही है, लेकिन मैं तो ज्यादा आइटम नहीं बनाती हूँ, 2-3 बनाऊंगी, मतलब दाल चावल के साथ एक सब्जी तो कभी बाई चांस हो जाते हैं, नहीं तो आप सब मेरे ब्लॉग में देखते भी होंगे, एक सब्जी दाल चावल बस। शाम का भी डिनर में भी यही है, रोटी अगर रोटी बनेगा तो एक सब्जी, या फिर चावल भी बनेगा तो एक सब्जी बस। ज्यादा हम मेरा घर में ज्यादा बनाने से कोई खाएगा भी नहीं, एक सब्जी खाने वाले हैं तो एक मेरे हस्बैंड है, नहीं तो हम लोग तीन जन जो तीन लोग है ना, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, हम लोगों का ज्यादा नहीं ये होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड ज्यादा खाते हैं, वो नहीं, मतलब थोड़ा सब्जी का शौकिंग वही है, शौक वही करते हैं, वो भी ये बस, हाँ 2 किस्म का भी बना दो तो वो खा लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो यही है, तो ज्यादा कुछ आइटम बनता नहीं है, ज्यादा कुछ कभी काल अच्छा लगता है, रोज रोज भी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो रोज रोज सादा चीज ही नॉर्मल ही अच्छा लगता है। तो ये मैं आलू भुजिया और पटल काट ली थी दोनों को पतला पतला भुजिया बनाने के लिए, तो उधर मैं आपने देखा कि मिर्ची और लहसुन को भी मैंने काट रखा था बाद में, तो इधर मैं जीरा से तेल गरम कढ़ाई बैठा दिया था, तेल गरम हो गया था, जीरा और लहसुन और मिर्ची का छौंक लगा दे रही हूँ भुजिया के लिए, तो वही ये कर रही हूँ। तो इधर मेरा चावल भी देखिए हो चला है, अब इसको भी पसाऊंगी मैं, तो इधर मेरा फोरन हो गया है, तो उसके बाद से सब्जी को छौंक देती हूँ मैं। और इधर मैं रात का डिनर में तड़का दाल बनाऊंगी, तो उसके लिए भी तैयारी कर दे रही हूँ, उसको धो करके 2 बार उसके बाद से भिगा करके रख दूंगी, भिगा के रख के और मैं डायरेक्ट प्याज व्याज सब मसाले वसले डाल करके भून करके और ऐसे ही डाल देती हूँ पहले, मतलब बहुत लोग दाल को सिझाते हैं लेकिन मैं दाल को नहीं सिझाती, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, ऐसे फुलाया हुआ कच्चा वाला ही डाल दो और कुकर में बना दो एक साथ ही डाल करके, उससे टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और टेस्ट वैसे ही होता है, मुझे तो बल्कि इसका वाला ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो इधर मेरा भुजिया हो गया है, अब इसमें हल्दी नमक भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, उसका पानी सूख लेने के बाद से कि नहीं भुजिया में, तब हल्दी नमक डालेंगे ना तो भुजिया आपका जो सन नहीं जाता है पूरा एक में मिक्स हो जाता है, तो मिक्स नहीं होगा, ऐसे अलग अलग रहेंगे और कुरकुरे चाहे आप भूनना चाहे तो भून दें चाहे ऐसे भी। इधर मैं दाल को मैं तड़का लगाने के लिए भी मेरा बस सिंपल सा रहता है जीरा और मिर्ची से, तो ये देखिए मेरा छौंक लग गया, ये देखिए मेरा भुजिया कितना अलग अलग से हुआ है, मैं बाद में दिखाई पूरा लाल, ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा नहीं तो आलू पूरा लाल लाल हो गए थे। तो इधर मेरा लंच तैयार हो गया और हस्बैंड जी के लिए निकाल भी दिया दाल चावल, ये मिर्च का अचार जो मैं लेकर के आई थी बाजार से मार्केट से, और ये देखिए मेरा भुजिया, बस यही है पापड़ देना था मैं भूल गई, तो मेरे हस्बैंड आकर के अपना खाने भी लगे, तो पापड़ देना था बोलने से मैं छानी ही नहीं, आज सेका भाई ये पसंद नहीं करते हैं, तो कढ़ाई खाली नहीं था तो मैं छानी नहीं, तो यही था। और दिन भर तो बारिश लगा ही है, तो फ्रेंड्स देख रहे हैं इतना पूरा सुबह से लेके बारिश जो लगा है और पूरा अभी भी काला अंधेरा किया है, ठीक बच्चों का 1 मिनट, तो बस बच्चों का आने का टाइम में ही ऐसा बारिश से होता है। और ये जो दिखाया मैंने तो मनोज आया हुआ था, ये देखिए जा रहा है, तो वही
कुछ सामान ले जाना था दुकान का, शॉप का, तो वही ले जा रहा है। ले जाने के लिए घर पर आया था और अब मैं, हस्बैंड भी चले गए हैं, 3 बज रहा है और सुबह से जो बारिश लगा हुआ है, मेरे को लग रहा है कि यह तो ऐसी कंटिन्यू आज, मतलब 2 हफ्ते हो गए, दो सावन जब से चला है कि नहीं, सावन के 10 दिन पहले से ही बारिश बारिश बारिश, लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, हद से ज्यादा कोई चीज भी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, बस वही है। और मैं ये खाने पीने वाला ये लगाई हूँ, मैं ज्यादा करके आसाम का, हिमाचल का, वहीं का सब लगा करके देखते रहती हूँ। इधर मैं मेरा लंच निकाल ली हूँ, ये देखिए, ये रहा, और ये पापड़ को सेक ली हूँ। और आप सब बोलेंगे कि हस्बैंड के लिए नहीं निकाला था तो हस्बैंड जी के लिए ये मैं भूल गई। एक्चुअली मैं सोची थी सेक के दे दूंगी और मेरा दिमाग से निकल गया। तो चलिए, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, फिर दिखाती हूँ क्या दिखाना है, ठीक है। शाम को दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत तड़का बनाऊंगी या फिर थोड़ा बहुत दिखा करके वही ब्लॉग का एंड कर दूंगी, ठीक है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर ही तड़का बना, मतलब सब मसाला से सब भून ली हूँ। अब पानी डालना है सिर्फ, मुझे सब याद आया तो कि थोड़ा सा ब्लॉग बना दूँ जो मैंने सुबह भिजाया था ना। और डिनर का टाइम हो गया है, रात का 8 बज रहे हैं। तो तड़का इधर, इसमें पानी डाल दी मैं, अब इसमें ढक्कन लगा दूंगी कुकर का, जरा ज़्यादा पानी नहीं रखूंगी। और उसके बाद यहाँ आटा गूंथ रखा है, रोटी बनाऊंगी। और ये देखिए मेरा शक्कर पागल जैसा हुआ है घर में। जिस दिन मुझे शॉर्ट वीडियो नहीं बनाना रहता है कि नहीं, मैं पूरा सिंपल रहती हूँ, सिंपल से भी ज़्यादा सिंपल रहती हूँ। कितना जान मुझे कमेंट में कहे, हाँ एक रुकिए, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, वो कुकर में ढक्कन लगाना था तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को रोक दी। तो मैं कह रही थी एक मोहतरमा है, एज ज़्यादा नहीं है, करीब मेरी बेटी से 1-2 साल की बड़ी होंगी, और इतनी कमेंट इतनी बड़ी बड़ी करती हैं कि नहीं, क्या पता नहीं उनके माँ बाप कैसे शिक्षा दिए हैं, कमेंट करती हैं, या फिर हो सके उनका डीपी लगाया होगा, उनके माँ बाप ही करते होंगे, तो करती हैं बिना फिल्टर का शॉर्ट वीडियो में, बिना फिल्टर का वीडियो बनाओ, फिल्टर का वीडियो बनाओ। तो मेरा ब्लॉग देख लिया करो, बिना फिल्टर का ही रहता है, उसमें कोई ब्लॉग, तू क्या सुन रही है, तारीफ नहीं, उसका तारीफ है उसका, हाँ। तो ये बिना फिल्टर का देख लो, अभी पाउडर तक नहीं लगा हुआ है, क्योंकि शाम को मैंने मुंह धोया था तो पाउडर तक भी नहीं लगा है। तो बिना फिल्टर का ही ब्लॉग देख लिया करो डियर, ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं कैसी दिखती हूँ शक्ल की, अगर बसुरत लगती हूँ तो, शॉर्ट में सुंदर। और आप इतने ही सुंदर हो तो आप बिना फिल्टर का भी बना लो, अच्छा है, सुंदर रहोगी तो जल्दी ग्रो करोगी। शायद मैं सुंदर नहीं हूँ तो जल्दी ग्रो नहीं करती हूँ, तो इसीलिए तो कोई नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। और अभी थोड़ा देर बस ये होगा डिनर तैयार करके, फिर इस ब्लॉग का एंड भी करूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा तड़का बन गया, थोड़ा नीचे जल गया तो ये देखिए ब्लैक हो गया है, पता नहीं खाने लायक है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा डिनर, और चुप। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ, तो क्योंकि रात भी हो गया है। तो फिर आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शक्ल कैसा हो गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपका मेरी वीडियो का आप सबके पास चला जाए। तो इधर खाने के लिए जा रहे हैं, तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और तड़का दाल तो पता नहीं कैसा लगेगा, जल गया है, कैसा लग रहा है, ठीक है, जला नहीं लग रहा है, नहीं जला है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय, चुप कर।